नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और आज की खबरें इस प्रकार से। प्रत्येक व्यक्ति 13 से 15 अगस्त तक अपने घर संस्थान पर फहराए आन बान शान का प्रतीक तिरंगा। यह कहना है भिवानी के उपायुक्त आरएस ढिल्लों का। लघु सचिवालय स्थित डीआरडी सभागार में सामाजिक व राजनीतिक प्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी प्रदान की। बैठक को संबोधित करते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे लोगों को अपने अपने घरों व कार्यालयों के भवनों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि तिरंगा हमारे आन बान और शान का प्रतीक है, इसलिए हम सभी का यह फर्ज बनता है कि इस दौरान हम अपने अपने घरों और दफ्तरों पर तिरंगा झंडा अवश्य फहराएं। आप चाहे शहर में रहते हो या गांव में, सभी लोग 13 से 15 अगस्त के दौरान अपने अपने घरों व दफ्तरों के भवनों पर पूरी गरिमा के साथ तिरंगा अवश्य फहराएं। निवासियों से रूबरू तीन अपीलों करके हो रहा हूं। पहली, सबसे पहले जो हमारा हर घर तिरंगा है, हम 75वें हमारी जो वर्षगांठ है इंडिपेंडेंस की, वो वर्ष हम मना रहे हैं, तो इसी उपलक्ष में पूरे देश में और हमारे प्रदेश में 13, 14 और 15 अगस्त को हम हर घर तिरंगा का जो एक महोत्सव है अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वो मनाएंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि अपने अपने घरों में, अपने अपने संस्थाओं में हमारा राष्ट्र ध्वज ज़रूर लहराएं, और कोशिश भी हमने ये करनी है कि अपने ध्वज की मर्यादा रखें और किसी तरह भी वो भंग ना हो। जो रिस्पेक्ट हमें देनी चाहिए अपने नेशनल फ्लैग को, इट शुड बी मेंटेन्ड हर बाय ऑल मींस। दूसरा जो चीज़ इन्वायरमेंट को लेके, और वो है हमारा प्लास्टिक, जो हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, जिस करके हर आमजन को, हमारी प्रकृति को, हमारे पशुओं को और हमारे पेड़ पौधों को नुकसान हुआ है। तो मैं आपसे अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बहिष्कार कीजिए, और जितने भी जन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादातर हमारा जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली बैग्स हैं, या जिस हिसाब से 100 माइक्रॉन्स का बोला गया है, उसकी यूज़ कीजिए, ताकि हम अपने परिवार, अपने इन्वायरमेंट को, अपनी प्रकृति को बचाएं, और एक ग्लोबल वार्मिंग का जो इशू आ रहा है उसको कहीं ना कहीं हमारा सभी का योगदान होगा एज ए टीम वर्क, तो वो सुनिश्चित होगा। मेरी ये है कि एक कहीं ना कहीं से मुझे ये जानकारी मिल रही है कि क्रॉप कंपनसेशन के ऊपर कई गांव को जिनका बनता है शायद नहीं मिला है, तो उसी उपलक्ष के अंदर हमारी जितनी भी तहसीलें हैं, जितने भी गांव में जहां पर बाढ़ करके या कोई भी प्रकृति आपदा करके इशू आया है, वहां का रोस्टर हमने बना दिया गया है, और ये रोस्टर जो जो डेट या जो जो दिन निर्धारित हुआ है वो अखबारों में भी है, तो जिस जिस गांव का जिसको अभी अगर नहीं मिला है, गांव वासियों को या किसानों को मैं कहूँगा, तो उस दिन वो सुनिश्चित करें। और इसकी जो पूरी डिटेल है वो किस तहसील में, किस गांव में, कौन वहां पे अधिकारी है, वहां पे एक टीम बनी हुई है, तो उस दिन पहुँचें और उस हिसाब से जिसका बनता है तो हम साथ के साथ देने का देंगे। तो मेरी ये अपील जिन किसानों से है कि जिनको लगता है कि भाई उनका बनता है और उनका नहीं दिया गया है, तो उस दिन, जिस दिन उनका डे है या जिस दिन उनकी डेट है, तो उस दिन ज़रूर जाएं और अपना मुआवजा अगर बनता है तो अपना सरकार ने हमें पैसे दिए हुए हैं, और जो हमारी पटवारी की टीम है, कानून की टीम है, उस दिन आपके गाँव में होगी, तो साथ के साथ इसका ट्रांजैक्शन भी कर दिया जाए। पोस्टर हमने बनाया है, दस्तावेज तो किसानों को पता है, और हमारी तरफ से शायद कल भी पेपर में आया था, आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से मैं ये कह रहा हूँ,
और कल दो दिन तक, दो या तीन दिन तक ये शेड्यूल जो है हम हर एक पेपर में, दो या तीन पेपर्स में मेन आएगा, और ये एक से लेकर 25 तारीख तक का होगा, ताकि इस महीने के अंदर हम सभी को जिनका जायज़ है वो दे दे। इसके बाद जो भी हमारा पैसा है जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने डिज़ास्टर में दिया है, अगर उसके बाद हम दोबारा से ये पैसा वितरण नहीं करेंगे और ये पैसा सरेंडर कर दिया जाएगा। शुक्रवार को भिवानी नगर परिषद उप प्रधान पद के लिए होने वाला चुनाव पार्षदों के बीच किसी एक पार्षद पर सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण टाल दिया गया है। शुक्रवार को सुबह 11 बजे नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में उपाध्यक्ष पद के लिए आम सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण यह फैसला लिया गया। भिवानी नगर परिषद के चेयरमैन प्रतिनिधि भवानी प्रताप ने बताया कि उप प्रधान के लिए 31 पार्षदों में से 14 से 15 दावेदार सामने आए थे, जिसके चलते आपसी बातचीत में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी। उम्मीदवारों की बड़ी संख्या होने के चलते निर्विरोध चुना जाना संभव नहीं हो पाया। नगर परिषद उप प्रधान के चयन के लिए पार्षदों में गुटबाजी ना हो तथा भाईचारा बना रहे, इसके लिए चुनाव प्रक्रिया को अगले 20 दिन से एक माह के लिए टाल दिया गया है। अब लगभग एक माह बाद सर्वसम्मति से नगर परिषद उप प्रधान बनाए जाने को लेकर तिथियां निर्धारित की जाएंगी और शहर के बेहतर विकास के लिए उप प्रधान का चुनाव किया जाएगा। भवानी प्रताप ने यह भी बताया कि भाजपा सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल व भिवानी से विधायक घनश्याम सराफ की ड्यूटी सर्वसम्मति बनाने के लिए लगाई गई थी। दावेदारों की संख्या को देखते हुए सर्वसम्मति बनाने के लिए विचार किया जाएगा। इस मौके पर पार्षद शिव कुमार गोठवाल ने बताया कि बीती शाम एक बैठक चुने हुए पार्षदों की हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन उप प्रधान पद के लिए पार्षद एकमत नहीं हो पाए, जिसके कारण उन्होंने प्रशासन से उप प्रधान के चुनाव के लिए अगली तिथियां निर्धारित करने की मांग की। आज 11 बजे उप प्रधान के चुनाव के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन कल भी हमने शाम में सभी पार्षदों ने बैठ करके एक नाम पर सहमति बनाने के लिए प्रयास किया, लेकिन वो सहमति नहीं बन पाई। करीबन 14-15 साथी हमारे उम्मीदवारी के लिए सामने आए, और इसलिए हमने सोचा कि कुछ समय और चाहिए हमें, ताकि हम चाहते हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर, एक पार्षद के ऊपर हम सहमति जता लें, निर्विरोध सर्वसम्मति से उसको चुना जाए, ताकि कोई गुटबाजी ना हो और एक अच्छा भाईचारे का संदेश जाए। जो सहमति अब तक नहीं बन पाई है, तो निश्चित रूप से कुछ समय के बाद से मिलकर प्रयास करेंगे, और शहर के विकास कार्य में सबका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, बराबर योगदान रहेगा, इसीलिए सर्वसम्मति से प्रधान चुना जाना बहुत जरूरी है। उप प्रधान के लिए अगली मीटिंग कब तक संभावित है? कुछ तारीखें, डेट या फिक्सेशन किया वो जानना चाहिए। अभी इस प्रकार का ना कोई ये तारीख तय नहीं की है, आज जैसे अभी पोस्टपोन हुई है, तो इसके बाद देखते हैं अभी 20 दिन में या एक महीने में जब भी नियमानुसार जो तारीख तय होगी वो सबको नोटिस दिया जाएगा। इस देखिए कारण तो कोई नहीं है भाई, सबने अपनी अपनी दावेदारी दी है और दावेदारी करना सबका अधिकार है, और इसको लेकर के हम यही चाहते हैं कि भी सर्वसम्मति किसी एक साथी के ऊपर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो सर्वसम्मति न बन पाना भी एक मुख्य कारण है कि चुनाव आज हमें स्थगित करना पड़ा, और चुनाव के अंदर कोई गुटबाजी ना हो ये हम प्रयास कर रहे हैं। कल बैठक हुई थी, पूरा भरसक प्रयास किया सबने, लेकिन किसी कारण से वो चीज़ संभव नहीं हो पाई, और कुछ समय लगेगा, हम सब मिल करके यही प्रयास कर रहे हैं। आज जो हमारा नगर परिषद भिवानी का छोटी काशी का जो उप चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इलेक्शन होना था, वो उसका कारण ये रहा क्योंकि 31 पार्षद प्लस चेयरमैन 32 पार्षद हमारे नगर परिषद भिवानी में होते हैं, उनमें से कुछ कैंडिडेटों ने अपना नाम प्रपोज किया, जिसमें से 14-15 कैंडिडेटों ने अपना नाम नगर परिषद में अपना नाम प्रपोज किया। हम चाहते थे कि जो लोग वोट नहीं, चेयरमैन की लिस्ट लाइन में नहीं है, उन्होंने कहा कि भाई सर्वसम्मति से बना दिया जाए। हमारे भिवानी के नगर के मंडल के चेयरमैन जो जिस प्रकार से छोटी काशी में लोगों ने इसका परिचय दिया है, हम भी चाहते हैं कि वैसा ही उप चेयरमैन हमारा बने। और हम यहाँ के जो स्थानीय पूर्व विधायक मंत्री घनश्याम सराफ जी हैं, उनकी सहमति हो और हमारे चेयरमैन की सहमति हो, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास शहर में करवा सके, इसलिए हम चाहते हैं कि सर क्या कारण रही और आगे की क्या चेयरमैन का जो चुनाव था स्थगित इस कारण हो गया कि सर्वसम्मति नहीं बन पाई।
काफ़ी भाई जो चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, 14 उम्मीदवार हैं, तो उनके बीच में सहमति नहीं बन पाई, इसलिए स्थगित हो गया था। लेकिन कोशिश जारी है, प्रधान जी ने बहुत कोशिश करी और लेकिन फिर भी नहीं बनी। लेकिन अभी भी कोशिश जारी है कि सर्वसम्मति क्या रहेगी, कौन कौन लोग हैं जो वाइस चेयरमैन की दावेदारी जताएं आगामी रणनीति। अभी तो 14 ही उम्मीदवार दावेदारी जता रहे हैं, ठीक है, सभी भाइयों के मन में है तो चुनाव लड़ना चाहते हैं। लेकिन आगामी रणनीति ये है कि हम एक मिलकर, एक निष्पक्ष और सब मिलकर वाइस चेयरमैन चुने। आज पोस्टपोन होने का कारण यही था कि जो हमारे 31 पार्षद और एक नगर परिषद की जो हमारी प्रधान महोदय हैं उनका वोट है, उनका मिला के 32 वोट होते हैं, और उनमें से कल जब सब साथी इकट्ठे बैठ के पूछा गया भी कौन कौन दावेदार हैं, तो दावेदारों की संख्या ज़्यादा होगी, और 14 दावेदार होने की वजह से हमने सब ने ये फैसला लिया कि अगली मीटिंग तक हम सब बैठ के कोई ना कोई एक अच्छा फैसला लेंगे जिससे सर्वसम्मति बन सके। आज का जो मीटिंग रद्द हुई है, आगे भविष्य में आएगी। कल हमारी सभी पार्षदों की बैठक हुई थी जिसमें सर्वसम्मति से यह हुआ था कि भी आगामी रणनीति के लिए हम चर्चा करके वाइस चेयरमैन का नाम रखेंगे सभी मिलके, और प्रयास रहेगा सर्वसम्मति से बने। बैठक के अंदर विशेष तौर पर यह रखा गया कि जो पार्षद शहर के काम के लिए अच्छे से आगे आ सकता है, जो डिजर्व करता हो, उसके लिए प्रयासरत रहेंगे सभी। आगे की रणनीति यही है कि भिवानी के विकास के लिए जो भी कदम उठाए जाएंगे, भाईचारा पूरे 31 के 31 एमसी मिलजुल के काम करेंगे। आज जो वाइस चेयरमैन का चुनाव होना था उसको पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि जैसे चेयरमैन भाई प्रीति भवानी को बनाया है 36 बिरादरी ने, ऐसे ही मिलकर हम वाइस चेयरमैन को बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिससे पूरे शहर का अच्छे से विकास हो पाए, कोई की गुटबाजी ना हो, को और ना हो, इसी को लेके हमने कल शाम को भी मीटिंग की, सभी पार्षदों ने मिलकर बैठक की, उसमें आम सहमति नहीं बन पाई क्योंकि उसमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसी वजह से चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। आज की जो मीटिंग थी वो वाइस चेयरमैन के लिए थी और उसमें सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि 14 कैंडिडेट तैयार हो गए, तो हमारी कोशिश यह है कि आने वाले टाइम में 20 दिन में 15 दिन में एक ही चुनेंगे। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में की गई टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ के नेतृत्व में किए गए इस विरोध प्रदर्शन में पूरे महिला समाज में माफी मांगने के लिए कांग्रेस नेता का पुतला भी फूंका। इस बारे में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी दर्शना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 173 प्ले स्कूल खोले हुए हैं और एक वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कोई भी सुविधा इन स्कूल्स को नहीं मिल पाई है। इसके लिए जिला उपायुक्त को कई बार चिट्ठियां भी लिखी जा चुकी हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिला परिषद द्वारा प्ले स्कूलों के लिए 19 लाख की रकम बाथरूम टॉयलेट्स बनाने के लिए भेजी गई है, जल्द ही इन स्कूल्स में टॉयलेट्स व बाथरूम का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से अपील की जा रही है कि छोटे बच्चों का दाखिला प्ले स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करवाएं ताकि खेल खेल में बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। वहीं जल्द से जल्द इन सभी प्ले स्कूल्स में हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। व्यू नंबर 4। भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रपति और देश से माफी मांगनी चाहिए कि माननीय राष्ट्रपति को आपत्तिजनक व निंदनीय शब्दों के रूप में संबोधित कर कांग्रेस के नेता ने यह घृणित काम किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि कांग्रेस महिला विरोधी, गरीब विरोधी और आदिवासी विरोधी पार्टी है। जब देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर और सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठी राष्ट्रपति का भी अपमान कर सकती है। जिला महामंत्री हर्षवर्धन मान ने कहा कि जब से द्रौपदी मुर्मू का नाम राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में घोषित हुआ, तब से ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा और उपहास का शिकार बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि एक आदिवासी महिला इस देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद को सुशोभित कर रही है। प्रदेश महिला महामंत्री मीना परमार ने कहा कि राष्ट्रपति को इस तरह से अपमानित करना मूल्यविहीन और संस्कारविहीन राजनीति का प्रतीक है। आज लोकसभा के अंदर आज़ादी के बाद बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ है कि एक
पार्टी के लोकसभा में नेता ने किस प्रकार से बेशर्मी से ऐसी बात कही कि जो कोई भी आदमी कहने की हिम्मत नहीं कर सकता, ना सोचता। हर कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति की, आज पूरे भारत की जनता ही नहीं, पूरे संसार में आज उनकी तूती बोल रही है कि भारत ने किस प्रकार से पहले दूसरी महिला और पहली आदिवासी महिला, गरीब महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। और कांग्रेस को ये बात पची नहीं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये काम तो हम भी कर सकते थे, एक आदिवासी महिला को हम भी राष्ट्रपति बना सकते थे, लेकिन हमने नहीं बनाई, तो उस बात का वो जो बड़ा शोक मना रहे हैं। दूसरा, वो किस प्रकार से एहतास हो गए हैं ईडी की जज रेड पड़ती है, किस प्रकार से उन्होंने एक अधिनायकवाद से काम किया था कांग्रेस का जब राज था, और आज उनका समय आया है कि जब आज इंक्वायरी हो रही है, चाहे बंगाल को 500 करोड़ रुपए एक मंत्री के पास और उनकी नज़दीकी के पास मिला है, वही बात आज लोकसभा में आपने देखी होगी कि अधीर रंजन जी किस प्रकार से टांग उठा के बात करते हैं, कभी हाथ उठा के बात करते हैं, उसके बाद वो बात नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला और उस बोलने के बाद क्या कह रहे हैं कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई, चूक हुई है और मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। ऐसा है, लोकसभा में विपक्ष के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने एक बड़ी बेहुदा और सरगमनाक बयान दिया है राष्ट्रपति जी के बारे में, जो उनके मुंह से शोभा नहीं देता। अब जब उनको कहा गया कि वो माफ़ी मांगे, तो ये कह रहा है कि मैंने तो ऐसी चूक की थी। चूक नहीं भैया, आपने तो बहुत बड़ी और बहुत गलत बात जो है राष्ट्रपति जी के बारे में कही है। और वैसे भी महिलाओं का अपमान, थोड़ी देर पहले जो है स्मृति चौधरी जी, स्मृति ईरानी को जो है सोनिया गांधी ने कहा था डोंट टॉक टू मी। जो ये चीज़ें आप जो कह रहे हो, धमकाने वाले लहजे में कर रहे हो, आपका ये शगुल बन गया है। आप संवैधानिक संस्थाओं का बार बार अपमान करते हैं और बार बार उनके बारे में पता नहीं क्या क्या अनर्गल आप बकते रहते हैं। जब तक सोनिया गांधी और अधीर रंजन चौधरी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक ये जनता उनको पक्ष में बढ़ेगी। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी जी ने जिस तरह से आज बयान दिया है लोकसभा के अंदर, ये बेहद ही शर्मसार है और पूरे देश को इससे मुझे लग रहा है कि धक्का लगा है, क्योंकि एक ऐसा बयान है जो देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो हिंदुस्तान कहलाता है, उस लोकतंत्र में महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करना, इस तरह की बात करना, वो भी संसद के अंदर इस तरह की बयानबाजी करना बेहद ही शर्मनाक है। और हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और कांग्रेस से ये मांग करते हैं कि कांग्रेस की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी वो माफ़ी मांगे और कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी स्वयं खुद माफ़ी मांगे राष्ट्रपति से और पूरे देश से। आज भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और समस्त जिला भिवानी के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर रहे हैं विरोध स्वरूप, क्योंकि ये केवल एक महिला का अपमान नहीं है, ये पूरे देश का अपमान है। देखिए, ये कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी द्वारा देश के सर्वोच्च पद पर बैठे महामहिम राष्ट्रपति के बारे में जो तुच्छ टिप्पणी की गई है, उनको राष्ट्रपति कह करके उन्होंने संबोधित किया, उसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिवानी के कार्यकर्ताओं द्वारा अधीर रंजन चौधरी का पुतला फूंका गया है। और ये कांग्रेस की उच्च मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि जो बात जहन में होती है वही लफ्जों पर आती है। तो इसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद का अपमान किया है और उसके बावजूद भी अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं मैंने कुछ ऐसा नहीं, क्यों मैं माफ़ी मांगूं, बीजेपी कौन होती है। तो इस प्रकार का उन्होंने नहीं बोलना चाहिए और देश की जनता से उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी है, वो ये कह रहे हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी कौन होती है, क्यों मैं माफ़ी मांगूं, ये इस प्रकार की बातें वो एक सीधे तरीके से उनको माफ़ी मांगनी। देखिए, देश के संवैधानिक पद पर आसीन आज हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जो अपमान किया है, ऐसे गंदे शब्द बोलकर, ऐसे अशोभनीय शब्द बोलकर अधीर रंजन जी ने यह बहुत ही अच्छा काम, बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं, रोष प्रकट करते हैं सभी। इससे एक द्रौपदी जी का पद तो आहत हुआ ही है, हम हर महिला इससे आहत है, हम सब रोष प्रकट करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हुए आज पुतला जलाने के लिए। हरियाणा प्रांत के पड़ोसी राज्य की तर्ज पर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन गौशालाओं को अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने की मांग को लेकर गोवंश गौशाला सेवा संघ हरियाणा के आह्वान पर प्रत्येक जिले के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा गया। यह फैसला महम रोड स्थित गौशाला में आयोजित संचालकों की बैठक में लिया गया। गोवंश गौशाला सेवा संघ हरियाणा के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री
महोदय को जिला वाइज एक ज्ञापन दिया जा रहा है कि हरियाणा प्रांत के साथ लगते राज्यों की तर्ज पर 50 रुपये प्रति गाय प्रतिदिन भरण पोषण हेतु गौशालाओं में अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाया जाए। उपरोक्त विषय पर जिला प्रभारी श्री मोहनलाल अग्रवाल एवं सभी गौशाला संचालकों ने 29 तारीख शुक्रवार को सुबह 9 बजे गौशाला ट्रस्ट महम रोड भिवानी में मीटिंग के लिए एक बैठक की। यहां सभी गौशाला संचालक अपनी गौशाला की मुहर आदि लेकर निश्चित समय पर पहुंचे और सभा के बाद उपायुक्त महोदय भिवानी को उनके कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा। आज प्रदर्शन गौचारे के लिए किया जा रहा है। आज हरियाणा पूरे प्रांत के अंदर गौचारे का हाहाकार मचा हुआ है। उसकी वजह है रेट का बढ़ना अचानक। पिछले साल हम 4 रुपये जो थोड़ा लेते थे, आज 12 से 15 रुपये मिल रहा है। ऐसे हालात में गो पालना बड़ा और गौओं की रक्षा करना गौशाला के लिए बड़ी दिक्कत हो रही है। उसके लिए पूरे जिले भिवानी की गौशाला के प्रतिनिधि इकट्ठे हुए हैं और जिला प्रधान के नेतृत्व में और रक्षा दल के नेतृत्व में हम डीसी साहब के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन देंगे। उसमें हमने मांग रखी है कि कम से कम 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गाय के हिसाब से गौशालाओं को दिया जाए ताकि गोपालन ढंग से हो सके। दूसरी बात यह है, हमारे नेबर जो स्टेट हैं, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, सब में 30 से 50 रुपये प्रतिदिन प्रति गौ दिया जा रहा है। हरियाणा में सिर्फ प्रतिवर्ष 600 रुपये दिए जाते हैं, जो प्रतिदिन के हिसाब से 1 रुपये 64 पैसे होते हैं। आप भी पत्रकार महोदय हो, आपको पता है 1 रुपये 64 पैसे में आज क्या हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। तो हमारी सरकार से ये मांग है, उन राज्यों को भी सामने रखें और गो सेवकों की मांगों को भी ध्यान में रखते हुए कम से कम 50 रुपया, वैसे लगने को तो 70-80 रुपया खर्चा आ जाते हैं आज के महंगाई में, फिर भी 50 रुपये की एक मदद आर्थिक मिले तो गौशालाएँ सुचारू रूप से चल पड़ेंगी, नहीं तो बड़ी आगे बड़ी दिक्कत का सामना को। पूरे भारतवर्ष के अंदर 20 से लेके 40 रुपए तक के अनुदान प्रति गोवंश प्रतिदिन दिया जा रहा है, जबकि हरियाणा के अंदर 300 रुपए प्रति गोवंश पूरे साल के लिए दिया जा रहा है, जो कि 1 रुपया 64 पैसे पड़ता है। तो हमारी हरियाणा सरकार से मांग है कि और जो राज्यों में जब अनुदान दिया जा रहा है प्रत्येक गोवंश के लिए, तो कृपया करके हरियाणा के अंदर भी ये लागू किया जाए। हमारी मांग है कि 50 रुपये प्रति गोवंश प्रतिदिन के लिए इन गौशालाओं को दिया जाए, ताकि ये गौशालाएं भूखी मर रही हैं और गाय भूखी मर रही हैं, तो इनको बचाने के लिए बहुत जरूरी है। जायज है, आज गौ माता को बचाना बहुत मुश्किल हो रहा है। प्रतिदिन अगर सरकार 50 रुपये देती है तो भी गौवंश को बचाना मुश्किल हो जाएगा। जितने भी गौशाला के पदाधिकारी खड़े हैं, गौ रक्षक खड़े हैं, तो आज अगर सरकार 50 रुपये की हमारी मांग प्रतिदिन की मंजूर करती है, जब ही गौवंश को बचाया जा सकता है, नहीं तो 12 से 15 रुपये किलो चारा मिलता है, गौवंश को बचाना बहुत मुश्किल है। सरकार ही कुछ नहीं दे रही, 1-1.5 रुपये पर डे दे रही, तो 1-1.5 रुपये में क्या होगा? उसमें एक एक गौशाला में 800-700 गौवंश है। तो हमारी सरकार से प्रार्थना है डीसी साहब के, उससे हमारी गौ माता की मदद करी जाए, गौ माता को बचाया जाए। जब ही गौ माता को बचाया जा सकता, जब 50 रुपये पर डे राजस्थान में दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, हर जगह 40 से 50 रुपये पर डे गौ माता की सेवा के लिए दे रहे हैं। हरियाणा सरकार से, हमारी मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हमारी मांग जायज है, इसको मान रखा जाए और माना जाए, ताकि गौ माता को बचा सके। जय। हरियाणा के एकमात्र प्राचीन व प्रसिद्ध तकनीकी संस्था TITS कॉलेज द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान व कौशल विकास के तहत भिवानी व आसपास के विद्यार्थियों को करवाया जा रहा है सी लैंग्वेज व व्यावसायिक कौशल में 6 सप्ताह का मुफ्त पाठ्यक्रम कोर्स। यह कहना है कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर जी के त्यागी व प्रोफेसर कमल सरदाना का। TIT भिवानी ने सी लैंग्वेज और व्यावसायिक कंप्यूटिंग कौशल में 6 सप्ताह के मुफ्त व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये पाठ्यक्रम 12वीं पास छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त हैं, जो सितंबर में अपने कॉलेज शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। प्रोफेसर जी के त्यागी निदेशक TIT ने बताया कि TIT सामाजिक उत्तरदायित्व पहल TSRI के तहत कोर्स पूरा करने के बाद छात्रों को सर्टिफिकेट भी देगा। TIT समाज के लाभ के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यशालाओं आदि का आयोजन करता रहा है और इस वर्ष TIT ने अपने TSRI कार्यक्रम के तहत इन पाठ्यक्रमों को लिया है। अन्य कार्यक्रम MS ऑफिस के प्रवाह चार्ट बनाने की क्षमता, डेटा को एक साथ एकत्रित करने की क्षमता और काम की लचीलापन में छात्रों को लाभान्वित करेगा। इन कार्यक्रमों को छात्रों के TIT में प्रवेश के लक्षित करने
और फिर उन्हें प्रवेश में परिवर्तित करने के लिए डिजाइन किया गया था। इन कोर्सेज का लक्ष्य और उद्देश्य तकनीकी कौशल और क्षमता बुद्धि प्रमाणन को बढ़ाना है और उन्हें प्लेसमेंट के समय मदद करना भी है। और यहाँ पे हम एक सी लैंग्वेज का कोर्स करा रहे हैं प्रोफेशनल कंप्यूटिंग का, तो इसमें हम सी के बेसिक्स वगैरह करवा रहे हैं। 6 वीक्स का कोर्स है, तो हमने पिछले वीक स्टार्ट करा था जिसमें हमने सी का बेसिक बताया था कि कैसे इन्वेंट हुई, मेन मेन डाटा टाइप्स क्या हैं, और अब हम उनको लेके आए हैं आगे एडवांस प्रोग्रामिंग पे। तो कल जैसे हमने करा था कि इनपुट वेरिएबल्स कैसे लेने हैं, यहाँ पे हम उसको आगे फर्दर कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड, और हम 6 वीक्स में इनको मैक्सिमम सी करवाने की कोशिश करेंगे सर। सर वो कंप्यूटिंग के किसी भी फील्ड में जाएंगे, आजकल आपको पता है कि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं, तो ये बच्चे अगर कहीं भी जाएंगे तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको आराम से आ जाएगी। अगर इनको सी आती होगी तो बेसिक क्लियर होगा, तो आगे कोई भी लैंग्वेज है जैसे पाइथन है, C++ है, जावा है, वो कंपैरेटिवली अच्छे से कर पाएंगे। सर इस कोर्स के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी रखी है आपने? हमने कोई एलिजिबिलिटी नहीं रखी सर इसके लिए, और हमने इनको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा है, और जिन बच्चों को कंप्यूटर्स बिल्कुल भी नहीं आता बिल्कुल उस लेवल से स्टार्ट करा है, वो सोच के पढ़ा रहे हैं कि इन बच्चों को कंप्यूटिंग नहीं आती। आफ्टर प्लस टू जो जैसे बहुत सारे बच्चों के पास स्कूल के अंदर कंप्यूटर्स नहीं था तो हमने उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करा है, तो इनको बीच बीच में कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के फंडे भी बताता रहता हूँ कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बाइट क्या होगी, बाइट क्या होगी, मिनिमम मेमोरी एक्सेस क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं सर। तो आप तो सर्टिफिकेट इशू करेंगे इनको आफ्टर कंप्लीशन, क्या प्लेसमेंट, किस लेवल की प्लेसमेंट हो पाएगी इनकी? सर एग्जैक्टली इनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी, लेकिन प्लेसमेंट में ये हेल्प करता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो उनके सी और बाकी चीज़ों से आते हैं, तो अगर इनका फाउंडेशन क्लियर होगी तो आगे प्लेसमेंट अच्छे हो पाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में सहायक होगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी होगा सर, अपना आगे खुद कुछ एक्सटेंड करना चाहें, IoT में जाना चाहें तो बिल्कुल रहेगा सर। नहीं सर ऐसी कोई भी फीस हमने नहीं रखी हुई, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, TSRI के अकॉर्डिंग है, तो TIT सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग हम करवा रहे हैं सर, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हैं हम। सर सर एक्चुअली हमारे TIT में सेमिनार चल रहा है सी लैंग्वेज का, और सर मैं यही चाहता हूँ कि मतलब हर कोई बच्चा यहाँ पे आगे, मतलब सर क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर कोई बच्चा अटेंड करे सर इस सेमिनार को, ताकि हर जगह नॉलेज बढ़े, और सर ताकि इंस्टीट्यूट का भी नाम हो सर इसकी वजह से, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट फ्री ऑफ कॉस्ट सर हर कोई देता नहीं आज के टाइम पे सर, तो ये सर बड़ी बात है इंस्टीट्यूट के लिए और हमारे बात पे सर। हम प्राउड तो यस सर, बहुत बेनिफिट हो रहा है सर, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज मिल रही है सर, और एक सीखने को मिल रहा है सर क्लासेज में आके सर, सिस्टम पर मिल रहा है आपको सर, बेनिफिट तो है उस चीज़ का। क्या क्वालिफिकेशन आपकी? सर मेरे सर 12th में 77% आए। मेरा नाम स्नेहा है। क्या कहना चाहोगे? हाँ ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे फ्री में आपको बेसिक पढ़ा रहे हैं, मतलब हर फील्ड में बेसिक की तो ज़रूरी होती है, बेसिक मतलब एक नींव होती है जिसके बाद हम कुछ भी सीखेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, और ये आजकल तो हर फील्ड लॉकडाउन वगैरह के बाद तो हर फील्ड कंप्यूटर बेसिस पे हो गया, तो ये ज़रूरी है, तो सबको ही सीखना चाहिए और फ्री में है तो फ़ायदा उठाओ। तो अभी आपको एक महीने के करीब हो चुका है? नहीं हाँ अभी कुछ पता चला, कुछ नॉलेज इंक्रीज हुई कुछ? हाँ बिल्कुल, जैसे बेसिक जो है ना किसी भी चीज़ को लिखने के लिए वो बेसिक पता चल रहा हो, यहाँ पे आके जैसे थोड़ी देर पहले आ जाओ तो प्रैक्टिस भी यहीं पे कर लो। TIT कॉलेज के अंदर 2 कोर्सेज चल रहे हैं और पूरा दोनों कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सी लैंग्वेज का कोर्स चल रहा है और एक प्रोफेशनल कंप्यूटिंग का कोर्स चल रहा है। सी लैंग्वेज का कोर्स जिसने किसी भी स्टूडेंट ने बीटेक करनी है, बीटेक इन CSE या बीटेक इन EC, उनके लिए बहुत ही मैंडेटरी कोर्स है। अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको होल लाइफ काम देगा, और TIT ने TSRI के अंतर्गत ये फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया है, और आपका 45 दिन का ये कोर्स है और बिल्कुल निःशुल्क है। रजिस्ट्रेशन हुई थी इसकी, शुरू में हमने स्टूडेंट्स को SMS के द्वारा सब बताया गया था पहले, उसके बाद रजिस्ट्रेशन हुई है और फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों ने रजिस्टर करा और ये कोर्स चल रहा है। हाँ जैसे अगर हम बात करें कि सी लैंग्वेज का कोर्स है जो, वो कहाँ काम आता है सी लैंग्वेज का कोर्स, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आजकल आपने सुना होगा IoT के टर्म्स हैं या एम्बेडेड सिस्टम के काम्स हैं, वहाँ पर ये सारा सी लैंग्वेज आपका बहुत यूज़ हो रहा है। रोबोटिक्स है जो आजकल रोबोट्स बना रहे हैं, ड्रोन्स बना रहे हैं, उनका बेस सी लैंग्वेज ही है। इसके अलावा हमारा प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है जो स्पेशली एक्सेल, पावर पॉइंट, क्लाउड कंप्यूटिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनके ऊपर है, और अगर कोई बच्चा BBA करना चाह रहा है, MBA करना चाह रहा है, तो उसमें आज की प्राइम रिक्वायरमेंट है।
अगर MBA कर रहे हैं तो एक सिस्टम आपका एक कोर्स होता है जिसको हम बोलते हैं MIS, उसमें ये सारा प्रोफेशनल कोर्स यूज होता है। शुक्रवार को श्री अग्रवाल सभा द्वारा वर्ष 2022 के लिए कॉलेजियम सदस्यता चुनाव का आयोजन 16 वर्षों के बाद करवाया गया। 105 वार्ड्स के लिए करवाए गए चुनाव में से 73 वार्ड्स के लिए सर्वसम्मति से सदस्यों का चुनाव किया गया और 30 वार्ड्स में सर्वसम्मति नहीं बनने के कारण चुनाव करवाए गए। वहीं इस वार्ड में मुकाबला अत्यंत रोचक रहा। करीबन 16 वर्षों के उपरांत भिवानी में स्थानीय अग्रसेन भवन में अग्रवाल सभा के कॉलेजियम सदस्यों के चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुए। इन चुनावों में करीबन 105 वार्ड थे, जिनमें से 75 वार्ड्स में जो कैंडिडेट हैं वह निर्विरोध चुने गए। शेष रहे 30 वार्ड्स में उनके चुनाव हुए, जिसकी बदौलत रिजल्ट कुछ समय बाद डिक्लेयर किया जाएगा। ये चुनाव अग्रवाल सभा की एकेडमिक कमेटी द्वारा करवाए गए। जय अग्रसेन जी महाराज, जय माता महादेवी। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि बहुत ही लंबे अंतराल के बाद श्री अग्रवाल सभा रजिस्टर्ड के चुनाव हो रहे हैं और ये चुनाव उनके बीच में है जो कैंडिडेट्स खड़े हैं और एक से ज़्यादा खड़े हैं। जो निर्विरोध जीत गए हैं उनको तो बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगी और जिनमें जिन कॉलेजियम में एक से ज़्यादा है उनके बीच में आज चुनाव हो रहा है और सभी मतदाता अपने अपने कॉलेजियम के आके अपने अपने कैंडिडेट को समर्थन दिखा रहे हैं और ये सारा मैं कहना चाहूँगी बहुत ही शांतिप्रिय वातावरण है और सुचारू रूप से ये सब काम हो रहा है। लगभग 19-20 सालों के बाद श्री अग्रवाल सभा भिवानी रजिस्टर्ड के आधिकारिक तौर पर चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर अभी कॉलेजियम 105 के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके अंदर लगभग जो है 75 वार्डों से कॉलेजियम से निर्विरोध चुने गए हैं और बाकी लगभग 34 और 35 के कॉलेजियम के लिए जो है आज वोट है। तो इसके लिए जो है मैं अग्रवाल समाज के सभी अगर बंधुओं से अपील करूंगा कि वो 8 बजे से 1 बजे तक का वोटिंग का समय है, वो आए और अपनी भागीदारी दिखाएं। भाई आज ये 18 साल बाद मौका मिला है अगर बंधुओं को अपनी छवि दिखाने का, अपना मौका दिखाने का, तो मैं चाहूँगा कि हर आदमी इससे जुड़े और आने वाला जो वक्त रहेगा हमारा, आज हमारे 1600 कुछ वोट हैं और जो आने वाला वक्त है उसमें हम 16000 से भी ज़्यादा वोट चाहेंगे कि अगर बंधुओं का एक जन सैलाब निकले। अब की बार जो शोभा यात्रा निकलेगी वो देखने लायक होगी, क्योंकि अगर बंधुओं का जो जोश आज आप बाहर से लेकर अंदर तक देख रहे हैं वो सहनीय है, बिल्कुल देखने लायक चीज़ है कि आज अग्रवाल सभा के अंदर लगभग 19 सालों के बाद आज कॉलेजियम के इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसके बाद कॉलेजियम बनने के बाद 105 मेंबर जो बनेंगे, प्रधान उन्हीं में से एक बनेगा और उसी में से कार्यकारिणी कमेटी बनेगी, सेक्रेटरी ट्रेजर सब उसी में से चुन कराएंगे 105 मेंबरों में से। 75 मेंबर हमारे निर्विरोध चुने जा चुके हैं। आज जो इलेक्शन हो रहा है कॉलेजियम का वो 30 मेंबरों के बीच हो रहा है, 30 कॉलेजियम के बीच हो रहा है जिसमें लगभग 69 कैंडिडेट खड़े हैं। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो हमारी सभा का आज चुनाव है उसमें आप पार्टिसिपेट किया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। 16 साल से चुनाव की प्रक्रिया बंद है, अब 16 साल के बाद ये चुनाव होने जा रहा है। इसमें 105 कॉलेजियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, जिसमें 75 तो हमारे निर्विरोध बन चुके हैं, 30 का आज चुनाव चल रहा है, उसका शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद मतदान की प्रक्रिया चालू होगी। ये एक अच्छा संदेश है। हरियाणा में चल रही आंगनबाड़ियों को प्ले स्कूल में तब्दील करने के एक वर्ष बाद भी सरकार द्वारा नहीं दी जा रही है बच्चों को मूलभूत सुविधाएं। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा भिवानी में बनाए गए 173 प्ले स्कूल्स में से केवल 120 स्कूलों में बच्चों के लिए पेयजल व टॉयलेट्स इत्यादि की सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, जिसके बारे में जिला प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है। इस बारे में महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी दर्शना से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 173 प्ले स्कूल खोले हुए हैं और एक वर्ष हो चुका है, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप से कोई भी सुविधा इन स्कूल्स को नहीं मिल पाई है। इसके लिए जिला उपायुक्त को कई बार चिट्ठियां भी लिखी जा चुकी हैं। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि जिला परिषद द्वारा प्ले स्कूलों के लिए 19 लाख की रकम बाथरूम टॉयलेट्स बनाने के लिए भेजी गई है।
जल्द ही इन स्कूल्स में टॉयलेट्स व बाथरूम का कार्य शुरू हो जाएगा। इसके लिए बच्चों के अभिभावकों से अपील की जा रही है कि छोटे बच्चों का दाखिला प्ले स्कूल्स में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करवाएं, ताकि खेल खेल में बच्चा अपनी पढ़ाई कर सके। वहीं जल्द से जल्द इन सभी प्ले स्कूल्स में हर प्रकार की सुविधा मुहैया करवा दी जाएगी। वही प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया गया है और उसमें आंगनवाड़ी से ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को प्रशिक्षण दिया गया है इसमें खेल खेल के माध्यम से शिक्षण देने के लिए। इसमें सर्वांगीण विकास के लिए बच्चों का खेल के माध्यम से ही प्रोग्राम किया जा रहा है। और अभी तक हमारे ज़्यादातर स्कूलों में शिफ्ट हो चुके हैं 173 में से, और हमारी कोशिश ये है कि सभी प्ले स्कूल स्कूल परिसर में ही चलाए जाए, क्योंकि वहाँ खुला ग्राउंड है खेलने के लिए, झूले वगैरह सारी सुविधा मिलती है उनको। डिपार्टमेंट की तरफ से आरओ आ चुके हैं, पर अभी किचन न बनने के कारण आरओ लगे नहीं हैं। और कितना बजट दिया गया अभी के माध्यम से? सीओ जिला परिषद ने किचन और टॉयलेट बनाने के लिए 19 लाख रुपये बीडीपीओ को दे दिए हैं। 2 महीने हो चुके हैं अभी तक बने तो नहीं हैं, पर जल्दी बन जाएंगे। आज की खबरों में बस इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।